नगरीय प्रशासन एवं विभाग ने कोविड 19 वायरस से बचाव के लिए महापौर अध्यक्ष पार्षद और एल्डरमैन निधि से सैनिटाइजर और मास्क क्रय करने की अनुमति की गई है, जिसके तहत नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के पार्षद अपने निधि का उपयोग अपने वार्डो में संक्रमण काल के दौरान सैनिटाइजर और मास्क क्रय करने में कर सकते हैं। लेकिन इस आदेश का भाजपा पार्षदों ने विरोध किया है, जबकि कांग्रेसी आदेश को जनहितैषी बता रहे हैं। पार्षद मत साल में एक बार आता है और एक पार्षद के मद में 4 लाख रुपए रहता है, जो इनको पूरे साल भर अपने वार्ड वासियों के विकास के हित के लिए काम करना पड़ता है, और वही वार्ड पार्षद का एक अधिकार रहता है और उस पर भी राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर दिए हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में मास्क वितरण किया जाएगा पार्षद के मत से। इसके अलावा शासन ने एक आदेश दे दिया अलग से कि राहत कार्य, चूंकि ऐसी स्थिति है कि देश और दुनिया में महामारी फैली हुई है, वैसे में आम जनता में अगर कहीं ये स्थिति बने कि कोई अगर जैसे मान लीजिए कोई भूखा न सो पाए या किसी के पास ऐसी जैसे जो सुरक्षात्मक सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था का अभाव हो, तो उसके लिए भी उस पैसे का उपयोग कर सके।